आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी आटा डोसा। तो यहाँ पे बाउल में डाला है मैंने गेहूँ का आटा, सूजी डाल दी है और आधा कप लेंगे अभी पानी। पानी जो है यहाँ पे धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि जो बैटर है इसमें कोई भी गुठली ना आए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम लम्फ्री हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब इसको थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे ताकि जो सूजी हो वो अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। देखिए 5 मिनट के बाद चेक किया तो बिल्कुल अच्छे से हमारा बैटर तैयार है। इसे कुछ सेकंड के लिए हम एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया था, वो डाल देंगे। अजवाइन डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ती काट के डाल देंगे, बारीक कटा प्याज, नींबू का रस डालेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे गाजर को घिस के भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने अभी 1 कप पानी लिया है। जो ये बैटर है ये बिल्कुल एकदम पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा, तो उसी का ही आज हम जो है डोसा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बैटर जो है अभी थोड़ा सा मेरे को गाढ़ा लगा तो मैंने क्या किया, आधा कप पानी और डाल दिया इसमें। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पतला सा गोल है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा तवा लिया, इसे गैस पे रख दिया था। तवा जो है बिल्कुल एकदम गर्म होना चाहिए और इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया। आप ऑयल लगाना चाहे और लगा लें। 2 बड़े चम्मच भर के डाल दिया और इसे एक बार अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। जो तवा है मेरा थोड़ा बड़ा है, अगर आपका छोटा है तो उस हिसाब से बैटर डाल लें। गैस की फ्लेम को हम अभी मीडियम कर देंगे। ये देखिए धीरे धीरे जो डोसा है वो ऊपर से ड्राई हो जाएगा, तो घी या ऑयल लगा लें। जब आपको नीचे से लगे कि ये सिकने लगा है तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और ये 2 से 2.5 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से इसे सिकने दें। तभी ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और जब ये सिकना स्टार्ट हो जाएगा तो ये साइडों के किनारे छोड़ना स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा हमारा बन के तैयार हो गया है। वैसे इसे जल्दबाजी में ना निकालें, नहीं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी डोसे बनते हैं। बस ऐसे ही करके हम अपने सारे के सारे डोसे तैयार कर लेंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे बैटर डालें तो बिल्कुल एकदम जो हमारा तवा है वो गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें और जब ये सिकने लग जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देना चाहिए और बिल्कुल इसे अच्छे से नीचे से सिकने देना चाहिए। जब ये सिक जाए तो ही इसे पलटना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी डोसे बन के तैयार होते हैं। इन्हें आप बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में सुबह बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा बना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें।